आदिवासी महिला सर्वोच्च संवैधानिक पद पर शपथ दिला रहे हैं दक्षिण से आने वाले मुख्य न्यायाधीश, और हिंदी में वो भी शपथ पढ़ रहे हैं, और जो पूरब से आती हैं राष्ट्रपति वो भी हिंदी में शपथ ले रही हैं। और जिस तरीके से इतिहास एक के बाद एक बनता जा रहा है कि सबसे युवा राष्ट्रपति हैं, अच्छा आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली देश की पहली राष्ट्रपति, और दोनों जो बड़े संवैधानिक पद हैं, जो प्रधानमंत्री का पद है और जो राष्ट्रपति का पद है, दोनों पर जो व्यक्ति इस वक्त विराजमान है, दोनों ही एक तरीके से आजादी के बाद जन्म। आजादी के 75वें साल पर ये बहुत बड़ा एक तरीके से तोहफा है देश को कि दोनों इसी आजादी के बाद जन्म हैं। और अपने आप में मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपने आप में वो खुद राष्ट्रपति जो हैं वो अपने आप में संदेश हैं। एक संदेश साफ ये भी है पूरे देश के लिए, महिलाओं के लिए, और समझने वाली बात है कि देश में आदिवासी जो समाज है उन